धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरी। अगर ये सार शब्द बाहर जाएगा तो मेरे बच्चे बिचली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं होंगे। तो पुण्यात्माओं, ये सारा खाड़ा आपके लिए हो रहा था। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, ऐसे ऐसे प्राइम टाइम आपका मनुष्य जीवन, स्त्री और पुरुष का, और सबसे पुण्यात्मा जो सतलोक आश्रम बरवाला तक पहुंच रहे हैं, किसी भी मीडिया से, चाहे कोई किताब पढ़ कर, कोई सीडी सुनकर, क्या या किसी बहन भाई से प्रेरित होकर के, चाहे कोई ये देखने भी आ जाता है कि देखता हूँ पहली बार वहाँ क्या है, ऐसे बहुत से भगत परमात्मा के हंस इसी प्रेरणा से आए कि देख लेंगे, चल देखते हैं तुम्हारे गुरुजी का आश्रम देख के आते हैं। जब ज्ञान सुनते हैं, सबको भूख है भगवान की, सबको चाह है उस परम पिता की, ये भूल पड़ी हुई है संसार के, आत्या आत्मा जाग जाती है और नाम लेकर जाते हैं। सौभाग्य जिनका, जो अच्छी किस्मत वाले होते हैं, तो यहाँ आते नाम लेकर ही जाते। तो यहाँ आना, ये दीक्षा प्राप्त करना और ये सभी मंत्र प्राप्त करना, तो ये छोटी बात नहीं है। आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा की लाडली आत्मा हो, और धन है उन माता पिता से जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ। तो पुण्यात्माओं, आप हो बच्चे, आप हो हीरे और मोती उस परम पिता के। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, अर्जा पैठू पाताल। गरीब दास जी कह रहे हैं, कबीर साहब ने बताया कि गरीब दास खोजत फिरूं, ढूंढत फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप वो हीरे मोती लाल हो, क्योंकि आप चाहे हीरा मोती लाल की तक कीचड़ में भी पड़ा है, रेत में पड़ा है, जौहरी की नज़र पड़ी उसने उसी समय उठावेगा और अंदर गाल लेगा, भीतर वाली जेब में कोई देख ना ले। तो आप वो लाल हो, दास ने आपको पहचान लिया और आप अपनी परमात्मा की पहचान करा दी, और आप यहाँ आम आत्मा नहीं आ सकती, उस परमेश्वर के विशेष आत्माएं हैं जो सबसे पहले आएंगी।